पर्स कंटेन्स टू सिल्वर एंड फोर कॉपर क्वाइंस। एक पर्स दिया हुआ है और इस पर्स में कह रहे हैं कि टू सिल्वर क्वाइन और फोर कॉपर के क्वाइंस रखे हुए हैं। अ सेकेंड पर्स कंटेन्स फोर सिल्वर एंड थ्री कॉपर क्वाइंस। एक और पर्स है और इस पर्स में फोर सिल्वर क्वाइन और थ्री कॉपर क्वाइंस रखे हुए हैं। ये क्लियर? तो इसको अगर मान लिया जाए पर्स वन और इसको पर्स टू। इफ अ क्वाइन इज पुल्ड एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द टू पर्सेस। अब एक क्वाइन निकालना है, इन दोनों में से किसी भी पर्स से निकाल सकते हैं। वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ सिल्वर क्वाइन? तो वो जो एक क्वाइन निकाला गया है वो एक सिल्वर क्वाइन हो, इसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो देखिए किस पर्स से निकालना है ये तो गिवन नहीं है। हो सकता है हम इस पर्स से भी क्वाइन निकाल सकते हैं, हो सकता है इससे भी निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम, दो इवेंट बना लीजिए। तो लेट ई वन एंड ई टू बी द इवेंट। अब इस पर्स से क्वाइन निकालने के लिए इस पर्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ई वन मान लीजिए सेलेक्टिंग पर्स वन और ई टू इवेंट मान लीजिए सेलेक्टिंग पर्स टू। ये क्लियर? उसके बाद एक क्वाइन निकालना है और वो सिल्वर क्वाइन होना चाहिए। तो इसके लिए एक इवेंट मान लीजिए, अ सिल्वर क्वाइन इज ड्रॉन, इसको मान लिया गया ए इवेंट। ये क्लियर? तो देखिए यहाँ पे दो कंडीशन बनते हैं। हो सकता है कि आपने पर्स वन सेलेक्ट किया और इसमें से क्वाइन निकाल रहे हैं। तो पर्स वन सेलेक्ट किया इट मीन्स ई वन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन ये क्या बन जाएगा? दो पर्स है, दो में से एक पर्स सेलेक्ट करना है तो वन अपॉइंट टू। ये भी हो सकता है कि आपने पर्स टू सेलेक्ट किया तो पी टू, ये भी बन जाएगा वन अपॉइंट टू। ये क्लियर? अब अगर आपने पर्स वन सेलेक्ट किया उसमें से एक क्वाइन निकाला और वो क्वाइन सिल्वर कलर का हो, इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर ई वन, पहले पर्स वन सेलेक्ट किया उसके बाद एक क्वाइन निकाल रहे हैं जो सिल्वर कलर का हो, इसके लिए प्रोबेबिलिटी। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर ई वन, बैग वन सेलेक्ट करने के बाद ना आप पर्स से निकालेंगे। ठीक है? अब हो सकता है कि आप पर्स टू सेलेक्ट किए हों और उसके बाद पी ए आफ्टर ई टू, मीन्स पर्स टू सेलेक्ट किया उसके बाद उस पर्स में से एक जो क्वाइन निकाल रहे हैं वो सिल्वर कलर का हो, तो इसका रिप्रेजेंटेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर ई टू। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर ई वन ये क्या होगा? तो पर्स वन आपने सेलेक्ट किया, अब इसमें से एक सिल्वर क्वाइन निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी, तो सिल्वर क्वाइन है टू, टोटल है सिक्स, तो टू अपॉन सिक्स यानी कि वन अपॉन थ्री। ये क्लियर? अब अगर आपने पर्स टू सेलेक्ट किया, अब इसमें से एक सिल्वर क्वाइन निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो सिल्वर है फोर, टोटल है सेवन, तो फोर अपॉन सेवन। ये क्लियर? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, हमें एक सिल्वर क्वाइन निकालने को के लिए पूछा गया था, मीन्स पी ए ये हमें फाइंड करना है। और इसके लिए कंडीशन बन रहा था कि हम पर्स वन सेलेक्ट करें एंड तो इनटू उसके बाद उसमें से एक सिल्वर क्वाइन निकाले, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर इवन। और दूसरा कंडीशन तो प्लस आएगा और के केस में, हो सकता है आप पर्स टू सेलेक्ट किए तो पी टू एंड तो इनटू उसके बाद आप पर्स टू में से एक सिल्वर क्वाइन निकाल रहे हैं पी ए आफ्टर ई टू, तो ये बनेगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो पी ई वन वन अपॉन टू, पी ए आफ्टर ई वन वन अपॉन थ्री, पी ई टू वन अपॉन टू, पी ए आफ्टर ई टू फोर अपॉन सेवन। तो ये आ गया वन अपॉन सिक्स और ये बन गया, ये टू टाइम्स में कैंसिल, तो टू अपॉन सेवन, सिक्स और सेवन कैल्सियम 42, तो यहाँ आ जाएगा सेवन और सिक्स इंटू टू 12, तो 12 प्लस सेवन 19 अपॉन 42, ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी।